क्या हाल है मिस्टर इवंस। आज की वीडियो में बात करने वाले ओप्पो A52 के बारे में, जो कि अमेजन ने कुछ अच्छी डील के साथ में आया था। एंड दोस्तों, जो इसका प्राइस था ना, कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैंने इसको परचेस किया। एंड जो इसके स्पेक्स वगैरह हैं, आपको अच्छे ऑफर करता है। एंड जो इसका डिज़ाइन है दोस्तों, वो आपको दी बेस्ट मिल जाता है। इससे अच्छा कोई भी दोस्तों फोन नहीं देता ऐसा डिज़ाइन इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इसी के बारे में और जानेंगे कि आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों, क्या बोलते हो, शुरू करें अपने झक्कास और टोटल वीडियो इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। दोस्तों, ये रहा ओप्पो A52 का बॉक्स। अगर बात करें इसके बॉक्स की, तो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है इसके वाइट कलर को। ये मेरे को मिल नहीं पाया, मैं इसी के लिए ट्राई कर रहा था। एंड यहाँ पर हाईलाइट किया गया ओप्पो एंड ICC को, जो कि इसके स्पॉन्सर हैं। एंड बाकी दोनों साइड मिल जाता है। एंड बॉक्स प्लेन है, वाइट कलर का बॉक्स साथ में आता है। यहाँ पर हाईलाइट किया गया है 1080p न्यू डिस्प्ले को। AI क्वाड कैम का सेटअप मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी है। 18W का एक फास्ट चार्जर बताया गया है। एंड जिसका कलर है टू लाइट ब्लैक कलर, मैंने इसको ऑर्डर किया था। एंड यहाँ पर हाईलाइट किया गया है मेड इन इंडिया को। एंड डिजाइन भाई ओप्पो है। अगर बात करें साइड की ओर, सो यहाँ पर इसके प्राइस बताया गया है, जो कि कुछ ज़्यादा ही बताया गया है, वो है 19,990। बट मैं आपको वीडियो में बताऊँगा मैंने कितने का परचेज़ किया है। सो दोस्तों, करते हैं इसके बॉक्स को ओपन और जानते हैं क्या क्या मिलने वाला बॉक्स कॉन्टेंट। सो मैं इसको ओपन कर चुका हूँ, ऑलरेडी सील ब्रेक कर चुका हूँ। तो ये रहा बॉक्स, यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको मिल जाता है यूजर गाइड, क्विक गाइड, सेफ्टी गाइड। एंड आपको मिल जाता है सिंडक्टर टूल। सो ये तो था। यहाँ पर मिल जाता है कवर, जो कि वाइट टोन के साथ में आता है। कवर की क्वालिटी तो अच्छी है, बस अगर येलो ना हो तो ही अच्छा रहेगा। बाकी मेरे को लग रहा है ये हो जाएगा अच्छी क्वालिटी से। ये रहा अपना फ़ोन दोस्तों, तो बाहर निकालते हैं। इसका डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, जो इसको भी निकाल देता हूँ। जो वाइट कलर आता है उसका डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता है। बट ये ब्लैक कलर मैंने ऑर्डर किया है इसका, कोई लाइट ब्लैक। इसका डिज़ाइन है दोस्तों। इसको साइड में बात करेंगे उसके बॉक्स कंटेंट की। सो ये एक चार्जर, जो कि 18W का है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा चार्जर है। जैसा कि मैंने रियल मी में किया था, वहाँ पर भी चार्जर का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। बट एक 18W का चार्जर है, अगर 30W का चार्जर हो तो चल जाता, बट एक 18W का चार्जर ओप्पो, क्योंकि ओप्पो भी रियल मी की कंपनी है, तो दोनों का चार्जर सेम ही, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ मिल जाता आपको एक टाइप सी केबल। एंड यहाँ पर आपको ईयरफोन मिल जाती है। आपको दोस्तों ओप्पो की ईयरफोन मिल जाएंगी। सो ये मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी कि आपको ईयरफोन मिल जाती है इस प्राइस रेंज में। दोस्तों, जब तक ये बूट हो रहा है, तब तक बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। सो यहाँ पर आपको मिल जाता है साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर। और बात करें ऊपर की साइड, एकदम प्लेन है दोस्तों। यहाँ मिल जाता है आपको सिम ट्रे। एंड उसके बगल में लगाया गया वैल्यूम अप एंड डाउन बटन। अगर राइट में होता वैल्यूम अप एंड डाउन बटन तो अच्छा रहता। मैं इसको निकालता हूँ बाहर। यहाँ पर आपको दो सिम और SD कार्ड सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। अगर बात करें बैक साइड की ओर, मतलब नीचे की साइड की ओर, तो यहाँ मिल जाता है आपको 3.5 जैक एंड एक्स्ट्रा माइक्रोफोन। यहाँ स्पीकर दिया गया है इसका, और ये माइक है। यहाँ मिल जाता है टाइप सी पोर्ट। एंड दोस्तों, बैक में सिंपल है। यहाँ मिल जाता है आपको कॉर्ड कैमरा सेटअप। सो दोस्तों, अच्छा फ़ोन नो डाउट, अच्छी क्वालिटी के साथ में आता है। दोस्तों, मैंने इसका सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, सो हमें जाता है वो 6.5 इंच की एक IPS LCD पैनल। सो इसको मैं ओपन करता हूँ, चलते हैं सेटिंग में और जानते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। सो दोस्तों, अबाउट फोन, कलर OS वर्जन आपको मिल जाता है V7.1, एंड्रॉयड वर्जन 10 मिल जाता है। सो ये आजकल सारे फ़ोन से मिलता है, कोई डिटेल नहीं है। एंड यहाँ पर जिसका प्रोसेसर है, कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिलता है। एंड जिसकी रैम है 6GB रैम मैंने ऑर्डर किया था। एंड 128GB इसका वेरिएंट है। दोस्तों, अगर बात करें इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, सो बिल्ड क्वालिटी वाइज दोस्तों फोन अच्छा है, प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है। सो हाँ, बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी आपको मिल जाती है। एंड जो दोस्तों उसका वेट है, वो है 189 ग्राम। जो उसकी ग्रिप वगैरह आपको अच्छी ऑफर की जाती है, स्लिम भी है, साइड से ये ज़्यादा मोटा नहीं है, ऐसा बोलना चाहूँगा। एक फ्लिक्स डिया के साथ में आता है। और इस पर अगर बात करें इसके डिजाइन के बारे में, तो ये फ़ोन का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताया गया है। अगर बात करें इसके डिज़ाइन के बारे में, तो आपको एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पर ओप्पो के इंजीनियर्स ने एक अच्छा काम किया है, यहाँ पर एक अच्छा इफेक्ट दिया है। अगर आप सनलाइट के अंदर जाएंगे, तो आपको इफेक्ट भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप इंडोर में भी होंगे, अगर आपकी लाइटिंग अच्छी कंडीशन में है, तो आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि दूर से दिखाई देता है कि हाँ, आपने ओप्पो का फ़ोन ले रखा है। सो अच्छा काम किया गया है। और दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग कवर लगा के फ़ोन चलाते हैं, बट दोस्तों डिज़ाइन मैटर करता है। एक अच्छा डिज़ाइन होता है, सो उसका फील अलग ही होता है।
तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको डिज़ाइन में अच्छा फ़ोन चाहिए तो दोस्तों इसको आप बाई कर सकते हो। इतनी बेस्ट फ़ोन है, इस प्राइस रेंज में दोस्तों कोई भी ऑफर नहीं करता ऐसा डिज़ाइन, सारे लोग सिंपल सा डिज़ाइन निकालते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके यूआई के बारे में, सो आपको सिंपल एंड क्लीन यूआई मिल जाता है। एंड अगर बात करें प्ले स्टोर ऐप की, सो पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, को आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, रिमूव कर सकते हो। सो दोस्तों हाँ, अगर बात करें अपलोडिंग टाइम की, सो मैं ओपन करता हूँ फ़ोटोज़, मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ को क्लिक किया है जो कि आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी जब मैं बात करूँ उस कैमरा के बारे में। सो यूआई दोस्तों मेरे को सिंपल सा एंड क्लीन यूआई है इसका, नो डाउट एक अच्छी यूआई के साथ में फ़ोन आता है। ओप्पो ने डिज़ाइन वाइज फ़ोन को अच्छा बनाया है, अच्छे लुक के साथ में भी आता है। दोस्तों अगर बात करें इसके फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, सो मैंने इसको सेट कर लिया है, मैं लॉक करता हूँ, ओपन आपको मिस दिख रही होगी रूम में, उसको आप अवॉइड करना। सो हाँ दोस्तों फास्ट है बट मैं इसको सुपर फास्ट नहीं बोलना चाहूँगा। दोस्तों अगर बात करें इसके फेस अनलॉक के बारे में, तो मैं साइड से पकड़ता हूँ क्योंकि ये तो फिंगरप्रिंट ही है। सो मैंने ये दिखाया फेस में, ऑन, ओके फेस अनलॉक तो मेरे को फास्ट लग रहा है। हाँ फेस अनलॉक तो दोस्तों अच्छे से काम कर रहा है, नो डाउट। दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहूँगा इसे कैमरा के बारे में, जो इसका मेन कैमरा है ओनली है 12 मेगापिक्सल का, बट दोस्तों फोटोज वगैरह अच्छी आती हैं। एंड दोस्तों जो दूसरा कैमरा है वो दोस्तों है अल्ट्रा वाइड जो कि 8 मेगापिक्सल का, एंड दो अदर्स कैमरे हैं जो कि हैं 2-2 मेगापिक्सल के, मैक्रो एंड सेंसिंग। अगर बात करें फोटोज़ की, तो आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, जो क्लियरिटी वगैरह आप देख रहे होंगे फोटोज़ में आपको नो डाउट अच्छी मिलती है, जबकि आजकल 48 एंड 64 मेगापिक्सल कैमरे आते हैं, बट यहाँ पर लगाया गया है ओनली 12 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि मेरे को कुछ ने कुछ ज़्यादा इंप्रेस किया है। मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर दी बेस्ट कैमरा लगाया है ओप्पो मतलब कैमरा फ़ोन। सो हाँ मैं बोलना चाहूँगा जरूर ओप्पो मतलब कैमरा फ़ोन है, यहाँ पर उसने मेरे को हर जगह इंप्रेस किया है। अगर बात करें स्क्रीन टोन वगैरह की, आपको अच्छा मिल जाता है, कहीं कहीं पर थोड़ा सा येलो करता है, बट अच्छा काम करता है। डे लाइट के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉट को ले पाओगे, इसके अलावा इंडोर में भी आप अच्छे शॉट को ले पाओगे, कोई भी दोस्तों कमी नहीं है। लाइटिंग आइटिंग को अच्छे से कवर करता है, एंड दोस्तों एक्सपोजर वगैरह जल्दी से मेंटेन कर लेता है। सो मैं बोलना चाहूँगा इसने अच्छे शॉट लिए हैं, मेरे को इसने कुछ ज़्यादा इंप्रेस किया इस कैमरे ने। अगर बात करें मैक्रो शॉट की, तो वहाँ पर भी क्वालिटी अच्छी है, आप अच्छे मैक्रो शॉट को ले पाओगे। इसके अलावा अगर बात करें अल्ट्रा वाइड शॉट की, तो वहाँ पर भी आप डायनेमिक रेंज के शॉट को ले पाओगे और क्लियरिटी वगैरह आपको अच्छी मिल जाती है। दोस्तों वहाँ पर भी इसने अच्छे काम किया है। बाकी अगर आप प्लांट्स वगैरह की फ़ोटो लोगे तो दोस्तों तो अच्छी आती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में दिख रहा होगा। सो हाँ दोस्तों प्लांट वगैरह तो अच्छे आते ही सारे फ़ोन्स में। बाकी अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो दोस्तों उसने भी मेरे को इम्प्रेस किया है, जो स्किन टोन वगैरह है आपको नेचुरल मिल जाता है। सो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कैमरा अच्छा मिल जाता है, आपको एक बेस्ट कैमरा फ़ोन है। सो अगर आपको एक कैमरा वाइज अच्छा फ़ोन चाहिए, सो दोस्तों आप इसको बाई कर सकते हो, इसमें दोस्तों दी बेस्ट कैमरा लगा। बाकी दोस्तों इसके कैमरा के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको जल्द चैनल पर मिल जाएगा, बताया गया है। बात करें इसकी वीडियो के बारे में, तो आप 4K में रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि 30 FPS के साथ में काम करता है। तो वहाँ पर दोस्तों कोई कम नहीं की गई है, आपको 4K रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप 1080p में रिकॉर्ड करोगे, तो आपको 30 FPS, 60 FPS एंड इवन 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। एंड यहाँ पर जायरो AI का सपोर्ट है, तो आपको स्टेबलाइजेशन वगैरह मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो आपको मिल जाती है 6.5 इंच की एक Full HD+ IPS LCD डिस्प्ले। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी कमी नहीं की गई है, आपको एक अच्छा पैनल मिल जाता है। अगर आप वीडियो वगैरह देखोगे तो आपको अच्छा फील होगा, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी कमी नहीं की गई है, बाकी इमेज वाइज अगर आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, तो दोस्तों आपको एक अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, यहाँ पर कोई भी कमी नहीं की गई है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइस की, तो मैंने इसको परचेज़ किया ओनली 10,500 में, क्योंकि मैंने लगाया था इसका एक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर इसका ब्लैक कलर ऑर्डर किया था, इसलिए मेरे को 1,000 rupees का और डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि 2,500 डिस्काउंट था इसमें। एंड अगर आप ब्लैक कलर ऑर्डर करते हैं, तो आपको 1,000 rupees का डिस्काउंट और मिलता, तो मैंने दोस्तों वही किया। अगर बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो आपको मिल जाती है 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी, एंड जो इसका चार्जर है वो है 18W का, तो आपको 2 hours and 30 minutes लगेंगे इसको फुल चार्ज करने में। वहीं दोस्तों अगर बात करें इसकी बैटरी लाइफ के बारे में, तो मैं इसको मॉर्निंग से यूज़ कर रहा हूँ, तो बोलना चाहूँगा इसकी बैटरी अच्छे से ऑप्टिमाइज, इसमें अप्रॉक्स 80% के आसपास बैटरी थी और अभी इसमें 30% बैटरी बची हुई है। दोस्तों बोलना चाहूँगा अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको 6 to 7 hours तो यूज़ आराम से किया ही होगा। दोस्तों यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है, आपको एक वेल ऑप्टिमाइज बैटरी ऑफर करता है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको ऑफर किया था स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर, जो कि 11M टेक्नोलॉजी बेस है, ना कि 10nm पे। सो हाँ थोड़ा सा पुराना आपको प्रोसेसर मिलता है, पर दोस्तों अच्छे से काम करता है, कोई भी कमी नहीं है, जितना भी अभी तक मेरे एक्सपीरियंस रहा है। तो बोलना चाहूँगा ये अच्छे से ऑप्टिमाइज है, और इसमें मेरे को दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बाकी मैं इसका लॉन्ग टर्म बना दूंगा, अगर आप लोग सपोर्ट कर।
वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्टीरियो स्पीकर, सो मैं आपको सुनाता हूँ एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको इसके साउंड क्वालिटी। तो दोस्तों आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है जैसा कि आपने सुना होगा, सो मेरे को पसंद आई इसकी साउंड क्वालिटी। दोस्तों अगर बात करें कंक्लूजन और मेरे बजट की, सो बोला चाहूँगा डिजाइन वाला फोन अच्छा है एंड जो उसका प्रोसेसर है एक आपको डिसेंट सा प्रोसेसर मिल जाता है एंड जो उसका कैमरा है ये अच्छी फोटोज को ला के देता है। सो बोला चाहूँगा पैसा वसूल फ़ोन है, अगर आपको 13K का पड़ता है तो ही, अगर आपको 15K का पड़ता है तो दोस्तों वहाँ पर तो सही नहीं रहेगा। जैसे कि मेरे को ओनली 10,500 पड़ा, अगर आपको एक अच्छी डील मिल जाती है तो डेफिनेटली इसको बाई करना, क्योंकि दोस्तों एक कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर भी है आपको अच्छा मिल जाता है, कुछ फ़ोन्स होते हैं जहाँ पर कैमरे से वगैरह अच्छा मिलता है बट जो प्रोसेसर होता है उतना अच्छा नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको मिल जाता है तो आप गेम वगैरह खेल पाओ, नो डाउट उसमें कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इफ यू हार्ड से ना करें तो भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।